नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वत्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मुझे आपसे एक गंभीर समस्या पर बात करनी है जिसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 से आज पूरा संसार परेशानी में है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मास्क पहनता हूँ और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करता हूँ। अगर मैं अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करता हूँ और मास्क पहनता हूँ, तो फिर हमारे डॉक्टर्स का क्या और उन कोरोना वॉरियर्स का क्या जो पीड़ित हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे अजनबी व्यक्ति से बचना है, मुझे अनजान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है। मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे एम्प्लॉय, इन सब से मुझे कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो मेरे साथ रहते हैं। तो फिर 10 लाख व्यक्ति कौन हैं? वो 32,000 व्यक्ति जो प्रतिदिन पीड़ित हो रहे हैं, क्या वो अपनों के बीच में नहीं रहते? आपने कभी सोचा है कि अब वो व्यक्ति क्यों पीड़ित हैं? शायद अभी तक हम गलत समझते हैं। हमें दूसरों से बचना है, ये हम गलत समझ रहे हैं। अगर हम इसके विपरीत को समझें, किस तरीके से कि मैं कोरोना से पॉजिटिव हूँ और मुझे दूसरों से बचना है, ये नहीं समझें। मुझे ये समझना होगा कि मैं कोरोना से पॉजिटिव हूँ और मुझे दूसरों को बचाना है, तो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर केवल 15 दिन के लिए देश का हर एक व्यक्ति एक साथ मान ले कि मैं कोरोना से पीड़ित हूँ और मुझे दूसरों को बचाना है, तो शायद कोरोना से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है, जो विषय इससे भी गंभीर है। हमारे देश में एक गंभीर समस्या और है, पान मसाला खाकर कहीं भी थूक देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो पान मसाला खाता है, बाइक से जाता है, ऑटो से जाता है, रिक्शा से जाता है, या फिर पैदल चलता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके पीछे चल रहा है, मे बी वो दूसरी बाइक से जा रहा है, ऑटो से जा रहा है, या फिर पैदल चल रहा है, वो व्यक्ति जब उसके पीछे चलता है, तो कोई अगले वाला व्यक्ति अगर कहीं भी थूक देता है, तो हो सकता है कि वो वायरस पिछले आने वाले व्यक्ति के ऊपर हो जाए, यानी वो व्यक्ति उससे पीड़ित हो सकता है। जाने अनजाने में हमने अपना तो कोई फ़ायदा नहीं किया, लेकिन दूसरों को परेशानी में डाल दिया है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पान मसाला खाकर इधर उधर थूकना कभी नहीं चाहिए। पान मसाले का शौक रखना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से प्रयोग में लाना बहुत गलत बात है। मेरी वीडियो को देखने से अगर एक भी व्यक्ति में परिवर्तन आ जाए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जिसको अच्छी भी लग रही है, वो इधर उधर को शेयर करें, ताकि ये मैसेज सब लोगों तक पहुँचे और वो मेरी मेहनत को सफल बनाए। धन्यवाद।